सोनी टीवी के पॉपुलर शो पेशवा बाजीराव में व्यूअर्स देखेंगे कि शिव बाई और उनकी बहन कुमोदनी मिलकर चिमना पर जानलेवा हमला करते हैं। ये दोनों प्लान बनाते हैं ताकि ये बाजी को उसकी तलवार से दूर रख सके। इसीलिए काशी बाजी की तलवार चुरा कर भागती है और फिर बाजी चिमना को अपनी बहिनी यानी काशी के पास उसकी तलवार लाने भेजता है। इसी बीच कुमोदनी मौका देखकर चिमना को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से चिमना को गहरी चोट लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। वैद्य जी आकर राधा बाई को बताते हैं कि चिमना की हालत बहुत खराब है और ये बताना मुश्किल है कि वो कब होश में आएंगे। ये सुनकर सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में काशी बाई अपने मित्र और अपने प्यारे देवर चिमना की जान बचाने के लिए भोलेनाथ के सामने जाकर प्रे करने लगती है। वो भजन गाने लगती है, जिसके बाद बाजी भेऊ और बाकी सभी बच्चे आकर मंदिर में काशी के साथ चिमना के लिए प्रे करने लगते हैं। इनकी दुआएं कबूल होती है और चिमना को होश आ जाता है। होश में आने के बाद चिमना को याद आता है कि किस तरह कुमोदनी ने उन्हें धक्का दिया था, लेकिन फिर भी वो उसे बचा लेते हैं और कुछ नहीं कहते। इस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।